खत्म होगा, मौज मस्ती करेंगे। अभी मेरे देख रहे हैं इस वक्त स्नोफॉल भी है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान में रहते हुए जो भी डाउन एरिया के लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग होगा और बेहतरीन किस्म की वीडियो मिलेगी आपको देखने को, इसलिए कि आज बर्फबारी शुरू हो चुकी है और छतर प्लान की जितनी भी पहाड़ी चोटियां हैं, जितना पूरा छतर प्लान है ये आप देख सकते हैं, इस वक्त सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है और ज़बरदस्त किस्म की बर्फबारी आज का दिन है। और आज के दिन में इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का मौसम होगा, मौज मस्ती करेंगे, टॉप पे जाएंगे और हमारे दोस्त वहाँ पर आएंगे और उनके साथ भी मौज मस्ती करेंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो सामने है बालीमंग और बालीमंग से ऊपर अशवाल, ये जितनी भी पहाड़ी है आपने मेरे किसी भी व्लॉग में देखा होगा कि यहाँ पर बर्फबारी जो है वो ये चोटी जो है काफ़ी ऊंची है और बर्फबारी यहाँ पर ज़्यादा होती है। इस वक्त भी वहाँ पर कुछ ना कुछ बर्फबारी स्टार्ट है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वो पहाड़ों के अंदर है और बादल ऊपर आए हुए हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर शेयर करेंगे। छतर टॉप के हवाले से आपको बताते चलेंगे, छतर टॉप इस वक्त सामने ये देखें जी, तो इंशाल्लाह भी वहाँ चलेंगे और वहीं भी आपको मिलते हैं जी। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं छतर प्लान टॉप और यहाँ पर गेम गेम लगी है जी, टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं ज़बरदस्त। और ये देखें जी सामने बंदा कैसे हो गया। तो ज़बरदस्त किस्म का माहौल है जी, तो चलें जी चलते हैं इनके पास, देखते हैं कि भाई क्या कहां से आए। तो व्यूअर्स फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जी छतर टॉप और यहां पर जो है काफ़ी टूरिस्ट यहां पर आए हुए हैं और यहां पर हमारे साथ एक भाई हैं जो आए हैं हैदराबाद से और हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया है, तो देखते हैं जी कि वो कैसा लगा उनको ये इलाका ये एरिया। तो चलें जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं? हम हैदराबाद कराची साइड से निकले हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं विज़िट के लिए। अच्छा। और मतलब इस तरह के इलाके देखने का तो मतलब हर बंदे का दिल होता है। जी जी बिल्कुल। तो आज हम भी इस वक्त बड़े खुश हैं कि हमें आपको यहाँ पर आकर व्यू आपने देखा यहाँ पर
मौसम तो खैर जनवरी फरवरी में वैसे ही होता है, लेकिन कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? इलाका बड़ा खूबसूरत है जी, एडवेंचर टाइप का इलाका है, और जिस तरह का बैक साइड पर मेरी देख रहे हैं इस वक्त स्नोफॉल भी है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान में रहते हुए जो भी डाउन एरिया के लोग हैं, कराची के हो गए, पंजाब साइड के, तो वो सारे के सारे इन दिनों में स्पेशली वो इस एरिया को देखने के लिए ज़रूर आते हैं, और हम भी इसी चक्कर में आ जाए हुए हैं कि इस इलाके को देखें और इस सारे वेदर को हम इंजॉय करें। और क्या पैगाम देना चाहेंगे जो वीडियो को देख रहे हैं, जो जितने भी व्यूअर्स हैं वो, क्या स्पेशली जो है कुछ लोग आते हैं कराची से, हैदराबाद से और बाहर से भी आते हैं, लेकिन उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि छतर किस तरह की जगह है? जी, मैं उनको ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि आप आएँ छतर टॉप के ऊपर, यहाँ पर देखें और इस इलाके को इंजॉय करें, बड़ा खूबसूरत इलाका है स्पेशली इन दिनों के अंदर, तो आप सबको आना चाहिए। पाकिस्तान हमारा बड़ा खूबसूरत मुल्क है, तो इस मुल्क को हमें देखना चाहिए, स्पेशली छतर टॉप को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली इस वक्त भी बर्फ़बारी छतर प्लान टॉप पर स्टार्ट है, और हम लोग जो है अभी यहाँ से वापसी करेंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, और हम लोग आए थे यहाँ पर आपको सिर्फ व्यू दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब भी आते हैं गर्मियों में और सीज़न के मौके पर, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं बाहर से, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूर दराज से आते हैं, अहमदाबाद से, हरिपुर से, मानसेरा से आते हैं, और उन सबको हम लोग यहाँ पर अपने छतर प्लान में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को आप वैसे देख रहे हैं तो बड़ी जाती है जी, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद आपको कुछ शॉट्स हैं वो दिखाए जाएंगे जो मैंने लिए थे आते हुए, और उसके अलावा कुछ शॉट्स ऐसे थे जो मेरे दोस्तों ने मुझे शेयर किए थे, और उन्होंने कहा था कि आप अपने पेज पे ज़रूर लगाएं, अपने यूट्यूब चैनल पे लगाएं, तो इंशाल्लाह उनके शॉट्स भी ज़रूर लगाए जाएंगे। इसके बाद वो शॉट्स मुलाहिज़ा कीजिए। तो आज का जो व्लॉग है उसको यहाँ पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह आपको कल या परसों किसी नए व्लॉग में मिलेंगे, क्योंकि कल जब धूप होगी तो यहाँ का नज़ारा एक अलग नज़ारा होगा, बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरती होगी। सबसे रिक्वेस्ट है कि आ जाएँ छतर प्लान और एंजॉय करें, यहाँ पर इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर मिलेगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए वसीम शाह को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।